हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज थोड़ी सी सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है, हद से भी ज़्यादा है, तो आपको मेरे हुलिया से थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। तो जनरली हम पॉइंट पे बात करते हैं। हमारे कुछ बच्चे थे जो धनुष बेच के पार्ट थे, उन बच्चों ने बोला, मेरे मैसेज आया, तो शायद वो प्रॉब्लम मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट का हो सकता है। और जैसे कि उन्होंने तो मेरे पास एक मैसेज कर दिया कि सर, हमने कंप्लीट कर लिया है धनुष बेस से, हमने जितना भी हमारा कोर्स था सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जैसा आपने बोला था, विदाउट स्ट्रेस सब कुछ कर लिया है, चाहे मशीन हो, चाहे पावरटेनिस हो, चाहे एचवीडीसी, कोई सब सब्जेक्ट हो, सब कुछ अच्छे से कर लिया है। लेकिन सर, रिवीजन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। रिवीजन कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं। अभी एक बात बताओ यार, हम रोबोट तो नहीं है ना, इंसान है। भूलना बहुत अच्छी बात है, इसको बुरी बात मत समझना। अगर हम सारी बातें ही याद रखने लग गए तो आप सोचो कि दुनिया में दिन भर में हम कितनी बातें सुनते हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, तो कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। तो अगर सारी चीज़ें हम स्टोर करने लग गए तो बेटा आपका दिमाग फट जाएगा। तो भूलना बुरी बात नहीं है, भूलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको अब ये चीज़ें हैं, आप भूल गए हो तो यार देखो, हम भी जनरली बताएं, अगर हम भी एक महीने तक ना भी पढ़ेंगे ना, तो हम खुद भी भूल जाएंगे हम चीज़ों को। ये कोई अलग सी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है भूलना। अब उन चीज़ों को कैसे हम ग्रेप्स करें, कैसे हमको याद रखना है? डेफिनेटली यार, आपने दिन में भले कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छा पढ़ो। अगर आज मशीन कर रहे हो ना, तो मैं बताऊँ आपको, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आप मशीन्स के क्वेश्चंस करो, ओके, जैसे कि मशीन में सारा मत करो, ट्रांसफॉर्मर करो, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस कर लो, 50 ही कर लो, ज़्यादा मत करो, 50 ही कर लो। शाम को सोचो, 50 क्वेश्चन आपने किए ना, रात के टाइम पे एक दो घंटा निकालो उसके लिए। क्या मैंने 50 क्वेश्चन मशीन के किए थे, कौन कौन सा था, किस टॉपिक से किए थे? और जब आपने रात में सोचना शुरू कर दिया ना, तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, वो अलग ही होगा। ये 2-5 दिन एक बार अपनाने की कोशिश करिएगा कि जितना कोशिश कर रहे हो ना, उनको सोचने की कोशिश करो, क्या रिकॉल कर पा रहे हो? टाइम लगेगा, लेकिन 2-5 दिन के अंदर आप उसके अंदर आ जाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है, और डेली 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं करना, 2 सब्जेक्ट ही आपको करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको माइंड मैपिंग करनी है, और नंबर ऑफ हार्स बढ़ा देना जितना बढ़ा सकते हो बेटा। 8-10 hours तो कर दीजिएगा, मतलब 8-10 hours तो डेली के डेली पढ़ना है। इसे ज्यादा नहीं पढ़ना, ना इसे कम पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, ओके? अगर फिर भी आपको, कहीं बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स होते हैं, अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। या अगर हो सके, मेरे को लगा कि मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो भी बना दूंगा। चलेगा? थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।